प्रीव्यू। हम लोग आज आए हुए हैं जालना शहर में, शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान अहमद अली की जयंती 272वीं। तो हमारे साथ है नगर सेवक जनाब माजिद भाई। माजिद भाई, आपका इजहार ख्याल हमको चाहिए था। ये जयंती आप कितने साल से मना रहे हैं और जालना शहर में इसका आपको कैसा रिस्पॉन्स? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे साथी सैयद रहीम साहब, जिनकी अहिल्या जो है तो उपनगर अध्यक्ष इस शहर की, हमारे शूशन अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष जावेद भाई और तमाम ही जिम्मेदारों जो है, तो ये पहली मरतबा जो है तो जालना शहर के अंदर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के अवसर पर 272वीं जयंती है, नौजवान बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा भी इतिहास है जी। और इतिहास हमारा ऐसा है कि देश का पहला फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी, जिसने देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ भिड़ने वाला, अगर कोई सबसे पहले कोई बादशाह का नाम लिया जाता है तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का लिया जाता है जी। और उसी के साथ साथ पूरे जग के अंदर प्रसिद्ध है मिसाइल मैन बोलकर। जब मिसाइल का किसी को मालूम नहीं था, जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाइल बनाया, ऐसे अनगिनत किस्से और कहानियाँ उनके जो है, तो आज हमने इस जयंती के माध्यम से नौजवानों के सामने, आवाम के सामने लाने की कोशिश की जी। आपने इस मौके पर कौन कौन से इवेंट लिए, जैसे ब्लड डोनेशन? हमारे इस मौके पर जो है तो कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर लिया गया है। स्कूल के अंदर जो है तो एक स्पर्धा, एक एग्जाम रखी गई है कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जीवन के ऊपर जो है तो अलग अलग बच्चे अपना लेसन लिख कर दे, निबंध लिख कर दे। और उसी के साथ साथ जो है तो आज बड़ी तादाद में नौजवानों ने जो है तो अपने जोश को लोगों के सामने एकजुटी के तहत इत्तेहाद के साथ जो है तो अपना एक रैली के रूप के अंदर जो है तो जयंती हासिल की। अच्छा, इसमें सभी कौम के लोग, जैसा दलित, मुस्लिम, हिंदू, सभी शामिल लिखे मुझे? क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक सेकुलर बादशाह थे। उनकी हुकूमत के अंदर अगर प्रधानमंत्री अगर उन्होंने किसी को बनाया तो ब्राह्मण समाज के आदमी को जो है तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। तो यही मैसेज जो है तो हम आज आवाम को देना चाहते हैं कि आज आप देख रहे हैं क्या देश के अंदर जातिवादी का माहौल पैदा किया जा रहा है, और हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा सेकुलर बादशाह इस देश में ना हुआ है और ना ही होगा जी। ये कहाँ से कहाँ तक आपने स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड कहाँ पर? जो है तो हमने जूना जालना सिटी चौक से लेकर तो पूरे शहर के अंदर जो है तो हमने रैली की है, और टीपू सुल्तान चौक रहमतुल्लाह अलैह जहाँ रेलवे स्टेशन पर है, इस जयंती की जो है तो वहाँ पर खत्म ही हो जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद शकील औरंगाबाद, महाराष्ट्र न्यूज टुडे से औरंगाबाद। चलिए जी, शुक्रिया, जजाकअल्लाह खैर। शहर के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया।